नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टॉप अर्निंग टिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूं या फिर जो आइडिया बताने वाला हूं वो काफ़ी यूनिक है। वो इस तरह का है कि जिसको आप अपने गांव से भी इसको बड़े आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं, और इस तरह का काम है कि किसान लोग भी उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे कि परंपरागत खेती करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता उनको जितना होना चाहिए, क्योंकि वो पुराने तरीके, आप पुरानी फसलें लगाएंगे तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, उससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए, कुछ ऐसी फसल लगाएं जिसमें आपको ज़्यादा आमदनी हो, तो आज का वीडियो आप पूरा देखते रहिए। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, अब देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं आज जो आपको बताने वाला हूं जिस चीज़ के बारे में, वो है एक फसल। किसान उसको अपने खेत में लगा करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली मेन चीज़ यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी फसल जब हम लगाते हैं अपने खेतों में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जब हम ये फसल लगाएंगे तो जब हमारी फसल रेडी हो जाएगी तो कौन खरीद के ले जाएगा, उसको कौन खरीदेगा, उसका उचित दाम हमें कैसे मिलेगा। और जब तक आपको आपकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा, तब तक आपका खेती करने से कोई भी फायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप अपनी फसल को कहाँ बेचेंगे, और या फिर कौन सी कंपनी है जो आपको आपकी फसल, तैयार फसल आपके खेत से लेकर के जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा के बारे में, जिसको ड्रमस्टिक भी कहा जाता है और हिंदी में जिसको सहजन भी कहते हैं। ये खाने के लिए काम में आता है और दवाओं के काम में भी आता है। इसकी पत्ती से लेकर इसके फूल फल सारी चीज़ों का उपयोग होता है इनका, और ये काफ़ी पौष्टिक भी होते हैं खाने में। तो इसकी सब्जी में भी बनाई जाती है, इसकी जो फलियां होती हैं उनके द्वारा, तो ये काफ़ी पौष्टिक माना गया है और काफ़ी कॉस्टली भी बिकता है। तो आप इसकी सब्जियां भी बेच सकते हैं साथ में। आप इसकी यहाँ पर मैं आज जो बता रहा हूँ वो सब्जी या उस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बता रहा, आज मैं बता रहा हूँ कि आप इसकी पत्तियाँ बेच के कैसे पैसा पैदा कर सकते हैं। तो पत्तियों में क्या है कि एक कंपनी है सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट करके, तो वो जयपुर राजस्थान में है। काफ़ी साल से मैं उनका प्रमोशनल वीडियो भी बना रहा हूँ, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वो कंपनी ना आपसे एग्रीमेंट करती है, रिटर्न में, लिखित में एग्रीमेंट करती है कि तैयार आपकी जो फसल हो जाएगी खेत में, वो एक निश्चित पहले से ही कीमत तय कर दी जाती है, उस तय कीमत पर आपकी फसल को वो कंपनी खरीद कर ले जाती है। तो वीडियो में मैं आपको उस कंपनी का नंबर भी दूंगा, तो आप उनको अपनी फसल बेच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब भी फसल अपने खेत में लगाना चाहेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बीज की। तो बीज की आपकी ज़रूरत भी आप कंपनी के द्वारा पूरी की जा सकती है, तो आप कंपनी से बीज खरीद सकते हैं अपनी फसल को लगाने के लिए। तो बीज आप कंपनी से खरीद सकते हैं लगाने के लिए, और ये बीज आपको लगभग 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। और एक एकड़ की अगर बात करी जाए तो एक एकड़ में इसका लगभग 6.5 किलो बीज लगता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना कि आपका एक हेक्टेयर में कितना लगेगा। तो जब भी आप कंपनी से बीज लेकर के उनसे बीज लेंगे तो कंपनी आपके साथ रिटर्न में एग्रीमेंट करेगी। तो आप चाहें तो उनके साथ रिटर्न में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपकी तैयार जो फसल है वो कंपनी 50,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदेगी पत्तियां। तो जो बीज वो आपको देगी वो आपको ऐसे नहीं लगाना है कि आपको पौधे तैयार करने हैं, वो आपको इस तरह से लगाना है खेत में, इतना नज़दीक लगा होता है वो, क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा पड़ रहा है तो वो नज़दीक लगता है। तो उसमें कटिंग ली जाती है, हर 3 महीने के बाद हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो जो हम मोरिंगा की पत्तियां या मोरिंगा के जो बीज हम अपने खेतों में लगाएंगे तो 3 महीने के बाद वो कटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर हर 3 महीने के बाद कटिंग के लिए तैयार होती है। इसमें से हमें पेड़ को या फिर पौधे को बड़ा नहीं करना है, सिर्फ वो इतना नज़दीक बोया जाता है उसकी सिर्फ कटाई करनी है पत्तियों के लिए। तो आपको एक हेक्टेयर में लगभग एक साल के अंदर 15 टन पत्तियां मिल जाती हैं, और वो कंपनी आपको 50,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदती है। तो ये आपका लगभग 7.5 लाख रुपये हो गया एक हेक्टेयर का। तो एक साल में आप पत्तियां बेचकर, वो भी आपको कहीं भटकना भी नहीं है, तो बेचकर मेरे हिसाब से 7.5 लाख रुपये कमाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये, काफ़ी अच्छा काम है। आप अपने गाँव में रहकर सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, पौधों की पत्तियाँ बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी से हम कॉन्टैक्ट करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कंपनी का नंबर दिया हुआ है,
तो आप वहाँ से कंपनी का नंबर लेकर के कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो वो भी आप उनसे बात करके वो सब कुछ वहाँ कंपनी से जान सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस प्लान या फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।